ओके सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई होप सो आपने साइकिट लैन की जो वीडियो उसका पार्ट वन देखा होगा, क्योंकि पार्ट वन में मैंने पाइपलाइंस को एक्सप्लेन किया, उसका कॉन्सेप्ट का कि पाइपलाइन होता क्या है। इस वीडियो में बेसिकली हम ये देखेंगे, दोनों का एक किस्म का कंपैरिजन देखेंगे कि आया जब हम अपने फॉर एग्जांपल किसी भी छोटे से प्रोजेक्ट में जब हम पाइपलाइन इस्तेमाल नहीं करते और जब हम पाइपलाइन इस्तेमाल करते हैं तो दोनों में क्या फ़र्क आएगा। मैं भी आपके लिए दोनों करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि पाइपलाइन का फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हम क्या काम करते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज उनकी इम्पोर्ट करते हैं। चूंकि मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग इंटरमीडिएट लेवल पे, तो आपको इन सब लाइब्रेरीज का पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम हमेशा अक्सर क्या करते हैं, सीबॉर्न को यूज़ करते हैं डेटा सेट को लोड करने के लिए। SNS डॉट लोड डेटा सेट टाइटैनिक यूज़ करते हैं, या टिप्स का, या आयरस का। हम साइकिट लर्न के थ्रू भी डेटा सेट को यूज़ कर सकते हैं। वो है किस तरह के, साइकिट लर्न डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट लोड आयरस। अब यहाँ पे आयरस का जो डेटा सेट है वो साइकिट लर्न के थ्रू यूज़ है, लेकिन यहाँ पे इसका नाम लोड अंडरस्कोर आयरस है, और मेरे हिसाब में ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू सी बॉर्न के, क्योंकि इसमें सिंपली आपको एक फंक्शन मिलता है जो आपके लिए ऑटोमेटिकली खुद ब खुद इनपुट और आउटपुट या एक्स एंड वाई में वेरिएबल्स को डिवाइड कर देता है विदाउट स्पेसिफाइंग के यहाँ से यहाँ तक एक्स हो और यहाँ तक वाई हो, कोई ज़रूरत नहीं। एक फंक्शन यूज़ करें ऑटोमेटिकली करेगा। तो मैं भी आपको फंक्शन भी दिखाता हूँ कि ये होगा कैसे। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ लोड आयरिस, एंड देन मैं इसमें एक फंक्शन देता हूँ, मैं लिखता हूँ रिटर्न अंडरस्कोर एक्स अंडरस्कोर वाई, और यहाँ पे ये फंक्शन आ गया, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ कि हाँ भाई ऐसा कर लो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक्स में आपको दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए देखें, वो जो चार सेपल लेंथ सेपल वेथ पेटल लेंथ पेटल वेथ की जो चार हमारे पास फीचर्स थे वो यहाँ पे आ गए। लेकिन मैं यहाँ पर आयरस के बजाय बोस्टन का डेटा लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लीनियर रिग्रेशन इस केस पे लगा रहा हूँ, तो मैं लॉर्ड बोस्टन का करता हूँ। बेसिकली लॉर्ड बोस्टन क्या है, ये अमेरिका में हाउसेस की प्राइस की एक जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ फीचर्स की बेस पे हाउस की प्राइस प्रिडिक्ट हो रही है, ठीक है। तो अब मैंने इसको ये किया, ठीक है, रन कर लिया। ये मेरे पास कुछ वार्निंग्स वगैरह आ रही है, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। अब मैं इसका एक्स चेक करता हूँ, तो ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर क्या है, बहुत वैल्यूज़ में, मतलब एक्स मैंने चेक किया तो वैल्यूज़ में देखे बड़ा फ़र्क है, कोई बहुत छोटी हैं, कुछ इस तरह हैं। इस तरह के डेटा सेट में अक्सर क्या होता है, कुछ वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती है, कुछ वैल्यूज़ बहुत छोटी होती हैं इस तरह। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम स्टैंडर्ड स्केलर अपने डेटा सेट पे लगाते हैं। स्टैंडर्ड स्केलर हमें क्या फ़ायदा देता है, वो हमें ये फ़ायदा देता है कि जब हमारे कॉलम में या एक फीचर में फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ी वैल्यू है कोई बहुत छोटी वैल्यू है, तो उनके दरमियान फ़र्क एक किस्म का कम कर देता है। फ़र्क उतना ही रहता है लेकिन वो वैल्यूज ज़रा कम हो जाती है, तो हम यहाँ पे इधर स्टैंडर्ड स्केलर लगाते हैं। तो स्टैंडर्ड स्केलर की आप देखिए, मैंने ऊपर लाइब्रेरी भी इम्पोर्ट की हुई है, ये सिंपली sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग में इम्पोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। ये यानी कि ये sklearn एक लाइब्रेरी है, प्री प्रोसेसिंग उसके अंदर एक शेल्फ पड़ा हुआ है, और शेल्फ के अंदर एक बुक है उसका नाम स्टैंडर्ड स्केलर है, ठीक है। ओके सो अब जाते हैं स्टैंडर्ड स्केलर पे। तो मैं लिखता हूँ STA स्टैंडर्ड, STANDARD स्टैंडर्ड स्केलर। ओके सो ये आ गया। अब इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए मुझे किसी न किसी वेरिएबल में इसको डाल दे तो ताकि मेरे लिए आसान हो जाए, तो मैं स्केलर नाम के वेरिएबल में ही इसको सेव करा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो स्केलर नाम का वेरिएबल है इसके अंदर तमाम वो प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं जो इस फंक्शन के अंदर थी, तो मैं क्या करूँगा, अपने एक्स डेटा को इनपुट डेटा को स्केल करवाऊंगा। तो मैं लिखता हूँ स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, ये जो है बेसिकली आपके डेटा को स्केल कर देगा। तो मैं इसको एक्स लिखता हूँ और इसको किसी और वेरिएबल में डाल देता हूँ ताकि पता चल सके। तो मैं लिखता हूँ स्केल्ड अंडरस्कोर एक्स, यानी ये जो ये वाला वेरिएबल है, ये डेटा है एक्स का, ये स्केल्ड है, ठीक है। अब मैं इसको रन, अब मैं दिखाता हूँ आपको स्केल्ड अंडरस्कोर एक्स पे, इसको रन करते हैं हम। ओ मैंने मिस्टेक की यहाँ पे, SELED, नाउ इट्स गुड। मैं इसको रन भी कर लूँ एक मरतबा। ओके सो अभी इसको चेक करते हैं, तो ये देखें अब इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो कम कम आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, बेसिकली अपने डेटा पे स्टैंडर्ड स्केलिंग लगा दिए, ठीक है। तो अब बारी आती है बेसिकली लीनियर रिग्रेशन लगाने की। तो लीनियर रिग्रेशन का सिंपल, बड़ा सिंपल तरीका है, मैं लिखता हूँ लीनियर
रिग्रेशन ठीक है, इसको भी मैं किसी वेरिएबल में डाल देता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ मॉडल, क्योंकि लाइक मैं इसको मॉडल की बजाय एल आर लीनियर रिग्रेशन और भी इजी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रन किया तो मेरे पास एल आर के अंदर अब तमाम वो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जो मेरे पास लीनियर रिग्रेशन के फंक्शन में थी। इसके बाद मैंने क्या करना है, सिंपली एल आर पर मैंने अपने डेटा को फिट कराना है, तो मैं लिखता हूँ एल आर डॉट फिट, और फिर मैं इसमें लिखता हूँ स्केल्ड अंडरस्कोर एक्स कॉमा वाई, क्यों, क्योंकि मैं अब ये वाला देना चाहता हूँ। तो मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास लीनियर रिग्रेशन मेरे स्केल्ड एक्स और वाई डेटा पर इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली प्रिडिक्शन बनाता हूँ, मैं लिखता हूँ एल आर डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है। इसमें मैं स्केल्ड अंडरस्कोर एक्स डालता हूँ, ठीक है। फिर मैं इसमें इसको करता हूँ यहाँ पे प्रिडिक्टेड, ठीक है, प्रिडिक्टेड वाई, लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास सक्सेसफुली रन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, बेसिकली प्रिंट करा देता हूँ अपने उसको जो मैंने मीन स्क्वेयर एरर, बेसिकली मीन स्क्वेयर एरर को मैं प्रिंट कराता हूँ। लेकिन ये मैं किस तरह प्रिंट कराऊँगा, मैं लिखता हूँ वाई ओरिजिनल और प्रिडिक्टेड अंडरस्कोर वाई, ठीक है, इन दोनों के दरमियान गैप फाइंड करो। तो ये क्या हुआ, यानी इसने चेक किया कि इन दोनों के दरमियान एरर क्या है, यानी कि जो प्रिडिक्टेड वाई है और जो एक्चुअल वाई है इन दोनों के दरमियान कितना एरर है। तो ये मेरे पास मीन स्क्वेयर एरर जो है 21। अभी हमारा टॉपिक मीन स्क्वेयर एरर नहीं है कि मीन स्क्वेयर एरर क्या होता है। बेसिकली मैंने क्या किया है यहाँ पर अपने लाइक जो मॉडल है इस मतलब इसमें मैंने पहले स्टैंडर्ड स्केलिंग अप्लाई किया, उसके बाद मैंने इस पर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम अप्लाई किया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसी का ही लाइक स्कैटर प्लॉट बना दूँ, तो मैं लिख लूँगा सिंपली पी एल टी डॉट स्केटर, ठीक है, मैं लिखता हूँ वाई कॉमा वाई प्रिडिक्टेड वाई, तो ये मेरे पास बन गए, ठीक है। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है, ये जो स्कैटर प्लॉट में पहले होता है ये एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। तो मैंने एक्स एक्सिस पे ओरिजिनल वाली वाई की वैल्यूज दी है, तो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की कोई इस पॉइंट को अगर मैं फोकस करूँ तो इसकी कोई ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो थी कोई 23 होगी या 24 होगी, और क्या प्रिडिक्ट किया इसने 37। तो ये थोड़ा सा एरर है, मैं आपको सिर्फ इस ग्राफ को बताना मकसद है मेरा कि इस ग्राफ को रीड कैसे करते हैं लाइक स्कैटर प्लॉट को, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट मैंने इंप्लीमेंट किया है विदाउट यूजिंग पाइपलाइन, मैंने वो बगैर पाइपलाइन के काम किए। अब मैं क्या करूँगा, मैं यही काम एग्जैक्टली पाइपलाइन के साथ करूँगा, तो देखें क्या रिजल्ट निकलता है। ओके, सो अब बारी है बेसिकली कि हम पाइपलाइन के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करेंगे यही प्रोजेक्ट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो लाइब्रेरीज मैंने यहाँ से ली थी सीधा उनकी जाके कॉपी मार लूँगा, ठीक है, ये मैंने कॉपी मार ली। लेकिन मैंने अब इसमें पाइपलाइन भी डालनी है, तो मैं लिखूँगा फ्रॉम sklearn डॉट पाइपलाइन कॉमनी डॉट पाइपलाइन इम्पोर्ट पाइपलाइन, ओके, लेट्स सी एवरीथिंग ओके और नॉट, ओ नो, मैंने 3.10 भी किया इसको बेस पे, मैं इसको दोबारा रीरन करता हूँ, ठीक है। तब तक ये चलेगा, मैं और कमांड्स कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं ये रख लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो रहा है। तब तक मैं आप लोगों को दोबारा पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट थोड़ा बता देता हूँ कि पाइपलाइन क्या करता है। तमाम चीज जो हम प्रोसेसेस करते हैं वो अलग अलग होने के बजाय उनको इकट्ठा कर लेता है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आपको समझ आ जाएगी।
ओके तो ये कह रहे कि एस्केलन डेट पाइपलाइन का कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं, तो मैं इसको कैपिटल चेक करता हूँ और इस पे स्मॉल लगा के चेक करता हूँ। अभी चेक करते हैं। ओके तो ये कह रहे कि ओ मैंने स्पेलिंग गलत की है। हाँ अब यहाँ पे स्मॉल ही आना था, वॉज राइट पाइपलाइन, और यहाँ पे कैपिटल। हाँ अब सही हो गया। यस अब मेरे पास क्या हुआ है, सिस्टम मेरा चल पड़ा है। तो अब मैं यहाँ पर अपनी पाइपलाइन बताता हूँ। पाइपलाइन के लिए सबसे पहले जिस तरह हमने ऊपर अपनी अपने लिए एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है, ये पाइपलाइन, पाइपलाइन की लाइब्रेरी में ये पाइपलाइन हम अब यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसी तरह सिंपली इस पाइपलाइन को यूज़ करने के लिए इसका नेम लिखूंगा। मैं लिखूंगा PIPE पाइपलाइन, और मैं ये कोपायलट बंद कर देता हूँ ताकि सजेशन आए। ओके सो पाइपलाइन को यूज करने के लिए पहले मैंने एक लिस्ट के लिए, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं ना, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। फिर हमें जितने हमने इसके अंदर फंक्शंस या जितनी चीजें यूज करनी है, हमने उसके अंदर इतने वो टपल वाले राउंड ब्रैकेट्स डालने। तो उस मैंने यहाँ पे दो चीजें इस्तेमाल की, एक इस्तेमाल किया स्टैंडर्ड स्केलर, दूसरा मैंने इस्तेमाल करना है लीनियर रिग्रेशन। दो चीजें, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, दो ब्रैकेट्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा। ठीक है अब इन ब्रैकेट्स के अंदर मैंने वो चीजें लिखनी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्केलर, लिखता हूँ कॉमा, फिर लिखता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर। ठीक हो गया, ये एक आ गया। दूसरी चीज मैंने क्या यूज करनी है, लीनियर रिग्रेशन। तो मैं इसके लिए एल्गो लिख लूंगा, बिकॉज इट्स एन एल्गोरिथम। सो मैं लिखता हूँ लीनियर रिग्रेशन। ओके सो ये यहाँ पे इस तरीके से आ, यानी मेरी मैंने अपनी पाइपलाइन में क्या डिफाइन किया कि मेरी पाइपलाइन में एक ये पड़ा हुआ है और एक उसके बाद फिर ये पड़ा, यानी पहले इसकी बारी है, फिर इस पहले स्केलर की बारी है, फिर उसके बाद लीनियर रिग्रेशन की बारी। दो चीजें। अब इसको यूज करने के लिए मुझे किसी न किसी इसको वेरिएबल में डालना ही पड़ेगा। तो मैं सपोज पाइप नाम के वेरिएबल में इस सबको स्टोर कर देता हूँ। ठीक है अब मैं इसको रन करूंगा, मेरे पास पाइप में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पाइप डॉट फिट, तो एक्स कॉमा वाई। अब यहां पे देखिए कितने मजे की बात है। पहले मैं क्या कर रहा था, पहले मैं स्टैंडर्ड स्केलर के लिए अलग फंक्शन इंप्लाई कर रहा था फिट ट्रांसफॉर्म का, और फिर उसके बाद दोबारा लीनियर रिग्रेशन के लिए अलग फिट कर रहा था। अब मैंने क्या किया, सिर्फ लिखा है पाइप डॉट फिट एक्स वाई, तो क्या हुआ है, फिट ये वाला भी हो गया और ये वाला भी हो गया, यानी एक कमांड से दोनों चल गए। तो देखिए कितना इजी हो गया हमारे लिए कोड करना, एज कम्पेयर टू ये कि हर एक के लिए अलग अलग फिट करो या अलग अलग। तो उससे अच्छा है कि बस क्या करो, एक ही दफा पे एक फिट लिखो और जो कुछ पाइप में है वो सारा काम एक ही दफा में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए देखिए सामने इसने बता दिया कि इस फिट में क्या हुआ, पाइपलाइन में स्टेप्स इसने बताए। यहाँ पे मैंने स्टेप्स नहीं लिखा, लेकिन ये बता रहे कि इसके अंदर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि ये करो फिट, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि ये करो। तो ये क्या करे, आपके लिए कोडिंग को बहुत इजी बना रहे हैं। अब मैं सिंपली इसके बाद पाइप डॉट प्रिडिक्ट लिखता हूँ। मैं प्रिडिक्ट में डालता हूँ सपोज एक्स डालता हूँ। ठीक है अब मैं इसको यूज करता हूँ मेरे पास, लेकिन मुझे इसको किसी न किसी वेरिएबल में डालना है ना ताकि पता चल सके। तो मैं इसके लिए इसको इजी को लिखता हूँ प्रिडिक्टेड वाई, दिस इज बिकॉज दिस इज द प्रिडिक्टेड। ठीक है तो मैंने क्या कर लिया, सिंपली एक उससे प्रिडिक्ट किया तो वो इम्प्लीमेंट हो गया सिंपली। अब इसके बाद अगर मैं इसका स्कैटर प्लॉट बनाना चाहता हूँ तो बड़ा सिंपल है, मैं लिखता हूँ PLT डॉट स्केटर। ठीक है स्केटर के अंदर हमने क्या डालना है, स्केटर के हमने डालना है पहले प्रिडिक्टेड वाई डालेंगे, फिर उसके बाद हम डालेंगे एक्चुअल और एक्चुअल वाई, ताकि आप यहाँ पे देखें क्या होगा। ये देखें ये मैंने आपको पिछली, तो यहाँ अब आप जरा इसको उस प्रीवियस वाले से देखें, यहाँ पे कोडिंग आसान थी कि वहां पे कोडिंग करना। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम पाइपलाइन यूज करते तो हमारे लिए कोड करना बहुत सिंपल हो जाता है। बस क्या करो, एक मरतबा पाइपलाइन बनाओ, अब आपने 10 प्रोसेसेस लिखे हुए ना, अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपका कोड चेक कर रहा है तो आपकी पाइपलाइन पढ़ेगा, अच्छा उसे अंदाजा हो जाएगा भाई इस बंदे ने ये चीज यूज की है। तो पाइपलाइंस आर रियली बेनिफिशियल आई वुड से एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब ये है कि इसमें मेरे कोड की विजिबिलिटी, उसको रीडेबिलिटी उसकी बेहतर हो गई है वो। तो अब आप लोगों के लिए छोटी सी असाइनमेंट है कि जो काम मैंने लीनियर रिग्रेशन में किया इसको KNN में करें। ठीक है बस ये
बहुत इजी सी असाइनमेंट है, बिल्कुल यही है, सिर्फ लीनियर रिग्रेशन की बजाय की एन एन लगाना है। तो हमारा ये कंपैरिजन, हमने पाइपलाइंस को पढ़ लिया। अगर आप लोगों को पाइपलाइंस में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट में लिखें कि पाइपलाइन में ये बात नहीं समझ आ रही है, तो वी विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, थैंक यू।